तो दोस्तों, ज़्यादातर एंड्रॉयड टीवीज़ के रिमोट के अंदर काफ़ी सारी हॉटकी आती हैं, जैसे ये वी यू अल्ट्रा 4K टीवी का रिमोट है और ये मोटोला रेवो 4K टीवी का रिमोट है, और इन दोनों ही रिमोट्स के अंदर काफ़ी सारी हॉटकी आती हैं। लेकिन अगर आपके टीवी के रिमोट के अंदर वो हॉटकी नहीं है जो आपको चाहिए, तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम देखेंगे कि हम इन हॉटकीज़ को या फिर और कीज़ को भी कैसे रिमैप कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन या फिर एक्शन के लिए। तो अगर आपके रिमोट के अंदर वो फंक्शन नहीं है जो आपको चाहिए, तो आप किसी भी की को वो फंक्शन असाइन कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं टीवी स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं गूगल प्ले स्टोर और यहां पर हम सर्च करेंगे बटन मैपर। चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है, चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट एक्सेसिबिलिटी सर्विस, और यहाँ पर हम ओके करेंगे और हम जाएंगे डिवाइस प्रेफरेंस में, और यहाँ पर नीचे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है और इसमें हम बटन मैपर को इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एड बटन का ऑप्शन है, तो हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम एड बटन पे क्लिक करेंगे और हम अपने रिमोट का वो बटन प्रेस करेंगे जिसको हमें रिमैप करना है। इसके बाद हम इस बटन पे जाके ओके करेंगे और यहाँ पर सिंगल टैप, डबल टैप और लॉन्ग प्रेस, इसके लिए अलग अलग फंक्शंस हम असाइन कर सकते हैं। चलिए हम सिंगल टैप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं। तो इसकी से मैं हॉटस्टार ओपन करना चाहता हूँ, और डबल टैप से मैं प्राइम वीडियोज ओपन करना चाहता हूँ, और लॉन्ग प्रेस से मैं टीवी मेट ओपन करूँगा। तो आप देख सकते हैं तीनों फंक्शंस असाइन हो गए हैं। चलिए हम इनको टेस्ट करते हैं, और मैंने बटन प्रेस किया है और हॉटस्टार ओपन हो गया है। और इस बार मैं डबल टैप करूंगा और प्राइम वीडियोस ओपन हो गया है। और अब मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूं, लेकिन लॉन्ग प्रेस में Z5 ओपन हो गया है जो कि इस बटन का ओरिजिनल फंक्शन था। चलिए हम एक बार और ट्राई करते हैं, और इस बार भी आप देख सकते हैं टीवी मेट ओपन होके Z5 दोबारा ओपन हो गया। चलिए हम एक बार और ट्राई करते हैं। और इस बार टीवी मेट ओपन हो गया है। तो लॉन्ग प्रेस उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, बाकी सिंगल टैप और डबल टैप काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। चलिए इस बार हम एक दूसरे बटन को टीवी मेट असाइन करते हैं, और यहाँ पर हमें प्रो की जरूरत नहीं है, और हम देखते हैं क्या टीवी मेट ओपन हो पाएगा। टीवी मेट ओपन हो गया है, तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, और आप किसी भी बटन को कोई भी फंक्शन असाइन कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज करने में मैंने एक इशू फेस किया है, जब भी हम बटन मैपर सर्विस को यूज करते हैं, इसके बाद जो वॉल्यूम कीज का जो लॉन्ग प्रेस का फंक्शन है वो डिसेबल हो जाता है, और कंटिन्यूस प्रेस करने से आपका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपको वॉल्यूम का बटन बार बार प्रेस करना पड़ेगा। मे बी अपडेट के बाद ये इशू रिजॉल्व हो जाए, लेकिन अभी तक ये इशू प्रेजेंट है। इसके अलावा मुझे और कोई इशू नहीं मिला है। तो अगर आप अपने रिमोट की कीज को रिमैप करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपके नोटिफिकेशन मिस ना हो।